नगर की शान है रसल मार्केट। रसल मार्केट चला गया तो शिवाजी नगर चला गया। पूरे एरिया को जो शिवाजी नगर को लश्कर बोलते थे, ब्लैक पल्ली बोलते थे, क्योंकि रसल था उसके नाम से रसल मार्केट बना गया। ये जो रसल लिख के है, मुसलमान लोग क्या सोचते हैं बोल के बोले तो हमारा प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो नाम से है बोल के रसूल मार्केट बोलते हैं। रसल मार्केट के अपस्टेयर सेकंड फ्लोर पर खड़े हुए हैं। फरवरी 25 को जो आग लगी थी, आग लगने से ये ऊपर जो है पूरा जलकर पूरा बर्न हो गया था। ये तो आग को तो मैंने ही देखा था फर्स्ट, जब 3:45 अर्ली मॉर्निंग 3:45 को लगा था वो, तो पहला आदमी मैं ही था। मैं तो डर गया था, ऐसा आग मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा, एकदम हेवी फायर हो रहा था। तो हमने पूरा एक ग्रुप बनाया, बाहर से जाकर आदमी को लेकर आकर, वो तो उतना तो कोशिश नहीं था, पर हम आधा मार्केट बचाने में कामयाब हो गए। वरना अगर वो आधा हम नहीं रहते तो आधा मार्केट भी जल गया था। हमारा ग्रुप मिला और बाहर के लोकल पीपल को बुला दिया अंदर, और ये फायर ब्रिगेड था ना, फायर ब्रिगेड को भी लेकर आकर अंदर पूरा कवर किया। कवर करने के बाद वो आधा मार्केट तो वो बच गया। वो उस वक्त तो मैं उसका बयान नहीं कर सकता, वो बहुत एकदम दर्दनाक था। और बहुत एकदम ये जो स्पॉट आप देख रहे हैं, जो बिफोर तो जलने के टाइम देख रहे थे, वो बहुत ख़राब था। ये सब है ना, जब ऐसा पूरा नीचे गिर गया था, जो स्पॉट देख रहे हैं ये पूरा काला होकर नीचे गिर गया था, तो बहुत ख़राब दिखा वो तो अटल हो गया था वहीं पर। जब अपना मार्केट आधा मार्केट बच गया था, तो हमने पूरा जो हमारा सर्कल था उसको तय कर लिया था कि इसको बहुत जल्द रेडी करना, वो हमने कर दिया। नेक्स्ट डे सैटरडे हुआ, संडे से हम वर्किंग में स्टार्ट हो गए। उसको डम्मी भी हमें उठाया, पूरा कचरा हम उठाए, वाइट वॉश हमने किया, धोया हमी ने उसको पूरा, ट्रेडर्स जितना भी शॉप पीपल था पूरा मिल गया, मार्केट का जितना भी आदमी था पूरा क्लीन किया। तो हमने फिर एक्शन पे आ गया, 3 दिन में हम फिर एक्शन पे आ गया। उधर वहाँ कमिश्नर आया था और जो वो पूरा टीम आया था, वो वही बोल रहे थे कि अभी तो ये पुराना हो गया, इसको डेमोलिश कर देंगे, आपको सब चले गया, इसको पूरा गिर जाएगा आपके सर पर, हम इसको लेके जाके मल्टीप्लेक्स बनाएंगे। वही बोल रहे थे, हमारे को क्यों चाहिए मल्टीप्लेक्स, हमारे को मल्टीप्लेक्स नहीं है, इधर से बहुत अच्छा है, हमारा 4th जनरेशन चल रहा है इधर, हमारे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा ही चल रहा है, ऐसा ही अच्छा है ना, अभी कुछ नहीं है ना इसमें, क्या है अभी 100 ईयर्स जाएगा तो हम क्यों इसको डेमोलिश करें, ये करें। अभी इसके अभी इसका दो इसका कितना अच्छा दो फिनिशिंग, ये डिज़ाइनिंग ये कौन बनाएगा, कोई नहीं बनाएगा, जब तक हम तो वही रोड पर आ जाएंगे। दिस इज 1927 एस्टैब्लिश्ड मार्केट। वो बोलते थे पहले ऐसा मार्केट नहीं था, तो ये पूरा पानी था, तो एक सैंड जो पूरा डाल के रहते थे वो पूरा ऐसा ही था। ये जो फार्मर्स हैं वो फार्मर्स आते थे, वो इधर बैग्स में रख के बेचने के जाते थे। तो उसके बाद ये रसल और श्री सैयद इस्माइल सेठ, वो दोनों ने प्लान करके मार्केट बनाया हुआ, क्योंकि इन्होंने ऐसी प्लानिंग की है मार्केट को। जैसे आप मार्केट के मेन गेट में घुसेंगे तो आपको इंग्लिश फ्लावर शॉप्स मिलेंगे, थोड़ा आगे निकलेंगे तो फ्रूट मिलेगा, और थोड़े आगे निकलेंगे तो एक ब्लॉक दो ब्लॉक मिलेंगे वेजिटेबल के, और उसके आगे निकलेंगे तो आपको मिलेंगे ग्रैंड वो फ्लावर्स, और उसके थोड़ा आगे निकलेंगे तो आपको बटर शॉप्स मिलेंगे, और पीछे जाएंगे तो मटन मिलेगा, उसके पीछे जाएंगे तो फिश मिलेगा, और उसके बैक साइड में आपको जनरल स्टोर्स मिलेंगे। तो इतनी अच्छी प्लानिंग की हुई है, ये तो आपको किधर भी नहीं मिलेगा मार्केट। मेरे लिए तो राउंडी बहुत ख़ास है, जो सर्कल है वो मैं बचपन में बहुत खेलता था, उधर एक फ़िश टैंक थी, उधर फिश लेते थे, तो उधर खेलने के लिए ऊपर चढ़ते थे हम, यही ख़ास है मेरे लिए। हम तो 1.5 मंथ से इधर पूरा डे नाइट वर्किंग कर रहे हैं, तो हमारे को मालूम है इसके अंदर क्या क्या है, ये कैसा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है और कैसा खड़ा हुआ है। एक एक दो चैनल के अंदर पूरा एक रो बनाया हुआ है, वॉल का एक रो बनाया हुआ है, सिर्फ 3 चैनल है उसके अंदर, अगर एक चैनल लूज कर दिया तो पूरा वॉल गिर जाएगा, ऐसा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। ऑल दिस गल्डर फॉल मेड इन इंग्लैंड,
तो ये बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन है और ये जो है इन समर इट इज कूल इनसाइड एंड इन विंटर इट इज वार्म इनसाइड இப்போ கட்டுக்கிறது என்ன மாதிரி கட்டிங்க அதெல்லாம் சுண்ணாம்பு அதெல்லாம் போட்டு கட்டி ஒட்டிக்கிறது கீழே சிமெண்ட்டில் நீங்கள் வந்து அடிச்சு பாருங்கோ அதை அடிக்கிறது தான் ஜம்ப் ஆகும் மேலே அவ்வளோ ஸ்ட்ராங் இருக்குது ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது இப்போ இருக்கிறதெல்லாம் வைக்கார் ஒரு மழை வந்தால் ரோடு போட்டால் ஒரு மழை தான் போயிடுது எப்போ அடிக்க சொல்லுங்க ஹெரிட்டேஜ் பில்டிங்கு 100% ஹெரிட்டேஜ் பில்டிங் ஆகி ஹெரிட்டேஜ் டிஃபைனிங் இஸ் லைக் சம்திங் ரியலி ஓல்ட் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் சம்திங் ரியலி குட் ஐ மீன் வி கேன் சே த ஹெரிட்டேஜ் பிகாஸ் வி ஆர் ஆல்சோ பார்ன் பாட் அப் இன் சேம் ஏரியா வி ஆர் கமிங் ஃப்ரம் த ஸ்கூல் டேஸ் to buy the vegetables and all those things. ये और मेहल कोर्ट हाई कोर्ट ये सब जो है हेरिटेज बिल्डिंग बोल के बी बी एम पी ही पहले अनाउंस करके हैं आज से 10 years back. Now he's telling अभी 100 years हुआ नहीं है और 15 years बाकी हैं हम इसको तोड़ कर बनाएंगे बोल के मैं तो समझ गया था कि मार्केट आज जो है ख़त्म हो गया इतना आग था और इतना ये था फिर भी अल्लाह जो है बचा लिया उसे शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है ये किसी की शरारत है यार 477 शॉप्स हैं टोटल इन रसूल मार्केट हम ओनर तो नहीं हैं यहाँ के हम टेनेंट हैं बीबीएमपी ओनर है उसकी जगह को हम घट कर दिए वो खुश होना चाहिए वो खुश होने के बजाय जो है और हमारे पर जुल्म कर रहा हूँ रनिंग के बाद जो है बीबीएमपी से जो हमारे को 33 लाख रुपीज़ मिले हैं टोटल मार्केट के लिए जो हर स्टॉल वाले को जो जिसका जला हुआ है उनको दिए हैं तो पैसा मिलाकर हम जो है उस पर उसके 65 लाख रुपीज़ और इन्वेस्ट करके हैं टोटल 95 अभी तक हमारे को खर्चा के है कोई घर का गोल्ड रखे हैं कोई ब्याज पे पैसा लेकर हैं इंटरेस्ट पे पैसा लेकर हैं लाकर जो है डाल के हैं बहुत क्रिटिकल पोजीशन में है रसूल मार्केट के वेंडर्स नाउ व्हेन वी एंटर इनटू द मार्केट ऑन द मंथ ऑफ मार्च फर्स्ट वीक द कंडीशन ऑफ द मार्केट वाज वेरी वेरी बैड द पीपल हु आर देयर विजिटिंग फ्रॉम बीबीएमपी एंड फ्रॉम द प्राइवेट पार्टनर्स अदर इंडस्ट्री हु वांट टू टेक द जॉब दे वर सेइंग इट्स नॉट पॉसिबल दे नीड टू डू री डेमोलिश एंड रीबिल्ड द बिल्डिंग बट वी टुक द जॉब एज अ चैलेंजिंग वी आर गिविंग एज अ गारंटी ऑफ द जॉब एंड एज वेल एज सर्टिफाइड कॉपी बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज Where we are telling you have done the job, we can give a guarantee for next 100 years. जो दो महीने के बाद जब बर्निंग हुआ था उसके बाद आज हमने इनॉग्रेशन किया मार्केट और बहुत ब्यूटीफुल इनॉग्रेशन था आज और बहुत अच्छा हुआ और हमारे लिए ट्रेडर्स के लिए बहुत खुशी का दिन है आज आफ्टर 2 months हमने बिजनेस फिर स्टार्ट किया है ऐसा तो कुछ नहीं डमालिश करने के लिए चांस ही नहीं है क्या डमालिश करेंगे वो अभी तो इतना ग्रैंड हो गया है तो क्यों फोड़ेंगे फोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता इट इज़ ए रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट सीरियस रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट फ्रॉम 12,000 पीपल्स हु इज़ हैविंग द फूड डेली हियर टू हेल्प अस गिव अस ए हेल्पिंग हैंड ये जगह जो है हमारी माँ है हम माँ को छोड़ के जा सकते क्या